सायंकाल का समय था, सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में जा रहे थे। तभी गांव की चार औरतें कुएं पर पानी भरने आई और अपना अपना मटका भरकर बात करने लगी। इस पर पहली औरत बोली, अरे भगवान मेरे जैसा लड़का सबको दे, उसका कंठ इतना सुरीला है कि सब उसकी आवाज़ सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी औरत बोली कि मेरा लड़का इतना बलवान है कि सब उसे आज के युग का भीम कहते हैं। तीसरी औरत कहाँ चुप रहने वाली थी, वह बोली, अरे मेरा लड़का एक बार जो पढ़ लेता है वह उसको उसी समय कंठस्थ हो जाता है। यह बात सुनकर चौथी औरत कुछ नहीं बोली तो इतने में दूसरी औरत ने कहा, बहन आपका भी तो एक लड़का है ना, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हो। इस पर उसने कहा, मैं क्या कहूँ, वह ना तो बलवान है और ना ही अच्छा गाता है। यह सुनकर चारों स्त्रियों ने मटके उठाए और अपने गांव की ओर चल दी। तभी कानों में कुछ सुरीला सा स्वर सुनाई दिया। पहली स्त्री ने कहा, देखा मेरा पुत्र आ रहा है, वह कितना सुरीला गा रहा है। पर उसने अपनी माँ को नहीं देखा और उनके सामने से निकल गया। अब दूर जाने पर एक बलवान लड़का वहाँ से गुजरा। उस पर दूसरी औरत ने कहा, देखो मेरा वलिष्ठ पुत्र आ रहा है। पर उसने भी अपनी माँ को नहीं देखा और सामने से निकल गया। तभी दूर जाकर मंत्रों की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। तभी तीसरी औरत ने कहा, देखो मेरा बुद्धिमान पुत्र आ रहा है। पर वह भी श्लोक कहते हुए वहाँ से उन दोनों की भांति निकल गया। कुछ देर बाद वहाँ से एक और लड़का निकला, वह उस चौथी स्त्री का पुत्र था। वह अपनी माता के पास आया और माता के सर पर से पानी का घड़ा ले लिया और गांव की ओर निकल पड़ा। यह देख तीनों स्त्रियां चकित रह गई, मानो उनको सांप सूंघ गया हो। वे तीनों उसको आश्चर्य से देखने लगी। तभी वहां पर बैठी एक वृद्ध महिला ने कहा, देखो इसको कहते हैं सच्चा हीरा। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्ञान संस्कार का होता है, जो किसी और से नहीं बल्कि स्वयं हमारे माता पिता से प्राप्त होता है। फिर भले ही हमारे माता पिता शिक्षित हों या ना हों, यह ज्ञान उनके अलावा दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता है। धन्यवाद।